हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, मैं अमित कुमार शर्मा आज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा कि अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे और लार्ज मॉलिक्यूल है तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेम आज आपको कराएंगे और उसकी ट्रिक भी बता देंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, जैसे देखिए, अगर CH4 है तो इसको क्या बोलते हैं? मैथेन। इसको बोलेंगे मैथेन। ठीक बच्चों, ये मैथेन हो गया। इस टाइप से C2H6 है, ये क्या हो गया? एथेन, एथेन। ठीक, और दोनों ही उसमें मैंने ये इसको लिख दिया है। इसको आप सीक्वेंस में, जैसे इथेन है और ये क्या हो गया? एथेन। ठीक, और सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या होता है बच्चों? कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे CH3 और ये क्या है? CH3। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। और देखते हैं, थोड़ा सा लार्जर ग्रुप देखते हैं, जैसे C, यहाँ देखिए बच्चों, CH3, CH2, CH3, यहाँ पर एक रूल लगता है, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है इसमें? सबसे लंबी श्रृंखला की बात करें, कार्बन श्रृंखला 1, 2, 3, 4, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी होगी? ये हो गई तो 1। और नजदीक ये होता है सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिस्थापक, यानी सब्स्टिट्यूएंट। जो कि देखिए है क्या, ये कैसे लगाया गया है? यहां पर CH2 होगा, अब 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन बोलेंगे इसको। और यहां पर ब्यूटेन, दोनों लैंग्वेज में मैंने, दोनों जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूं मैं। अगर इसमें मैं एच को हटा के सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, एल्किल ग्रुप, तो इसका नाम भी तो आना चाहिए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी जिसने एच को हटा के खुद लग गया है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा होता है, तो 1, 2, 3 और ये 4। तो बच्चों, इसका नाम क्या हो गया? टू मेथाइल 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन में, और इसको बोल सकते हैं टू मेथिल, हिंदी में ब्यूटेन। तो ये इसका IUPAC नेम है। क्लियर है बच्चों? और वैसे अगर कॉमन में बात करें तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, कॉमन साधारण नाम नेम हो जाएगा CH3CH. अगर ये ग्रुप होता है, ये वाला, यानी CH3CH CH3, तो इसको आइसो बोलते हैं। तो आइसो 1, 2, 3, 4, 5, वो आइसो जब लगाया जाता है तो उसको सारे कार्बन काउंट होते हैं, आइसो पेंटेन। समझ में आ गया बच्चों? तो सिंपल है। और ये तो रहा हाइड्रोकार्बन का, और देखते हैं C. ठीक है, यहां पे देखिए एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है, एक CH3 यहां है। ठीक, तो यहां पर बच्चों नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां जो नंबरिंग होगी वो कहां से होगी? इसको बताइए कहां से होगी इसकी नंबरिंग? जिधर से पास पड़ रहा है मेथिल ग्रुप। लेकिन मेथिल ग्रुप पास पड़ रहा है तो इधर से 1, 2 पर मेथिल है, लेकिन यहां कितने मेथिल हैं? 2 हैं। इधर से 1, 2, यहां एक मेथिल है। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे? 1, 2,
3, 4, 5, क्योंकि यहां दो पर दो मेथिल ग्रुप हैं, इसलिए नंबरिंग यहां से होगी। तो क्या लिखेंगे, 2, 2 डाई 2, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए और 4 इसके लिए, क्योंकि एक जैसे हैं तीनों, तो तीनों को एक साथ ले लेंगे। 2, 2, 3, 4 2 इसके लिए, 2 इसके लिए और 4 इसके लिए, ठीक। कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 प्रतिस्थापक हैं, ठीक। 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्या बन गया बच्चों, ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये याद रखना आप के जिधर ज्यादा ग्रुप जुड़े हुए हैं उधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन की नंबरिंग आप कैसे करेंगे। हाइड्रोकार्बन की नंबरिंग के लिए हम और भी आपको अलग से बताएंगे कि उसमें भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर उपस्थित है, जैसे फंक्शनल ग्रुप हैं एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्राइल है, एस्टर है, तो पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी सीरीज क्या है, उसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं बच्चों। ये समझ में आ गया, ईजी है ना। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे जो है आपका, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है या दो फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट होते हैं, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे एल्कोहल हो सकता है CH2, CH3, CH2OH। OH क्या है बच्चों, 1 है और 2 है, 1 पे है OH, तो इसका नाम होगा क्या, इथेनॉल, है ना। और कॉमन में क्या बोला जाता है, ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम है एथेन, 1, 2 कार्बन है, एथेन सिंगल बॉन्ड है और ऑल इसके लिए लगाते हैं। और कॉमन नेम, कॉमन आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरह से COOH CH3 CH2 COOH, 1, 2, 3, है ना, 3 कार्बन है। अगर ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो उसको भी बच्चों काउंट करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन ऑइक एसिड, ऑइक लगाते हैं इसके लिए, क्या लगाते हैं, ऑइक, प्रोपेन ऑइक एसिड। कीटोन को देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिंपल कीटोन लिया है हमने, 1, 2, 3 ये कीटोन ग्रुप है, तो इसको लगाते हैं बच्चों प्रोपेनोन, ठीक, प्रोपेनोन, समझ में आ गया। और यहां नंबरिंग नहीं करेंगे हम ऐसे ही इसमें, क्योंकि नंबर 1 पे ही है ये, तो यहां नंबरिंग नहीं करेंगे, ये 2 पे ही होगा, प्रोपेन हमेशा प्रोपेनोन 2 ही बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, इसलिए सबसे सरल वाला जो कीटोन है वो यही है। 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये जबकि बात है, जब एक एक में फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं और दूसरा नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल किसी का, इसमें 2 नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, CH3 CH2 CN 1 2 3, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं इसको, प्रोपेन नाइट्राइल इसका नाम है, ठीक। CN को क्या बोला जाता है, नाइट्राइल, CN। एल्डिहाइड CH3 CH2
सभी में तीन तीन कार्बन ले रहा हूं मैं, तो इसमें हो जाएगा एक दो तीन, तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक, प्रोपेनल, समझ में आ गया, प्रोपेनल बोलेंगे इसको। ये कीटोन हो गया। एस्टर देखते हैं, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल ओ, सी एच थ्री, ये सी ओ ओ आर ग्रुप होता है, तो आर मैंने क्या ले लिया है, हाँ मेथिल, तो इसको वो लिखते हैं पहले, इसको पहले लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, और फिर वन टू थ्री, मिथाइल एक दो तीन कार्बन है, ओइट लगाते हैं इसमें, प्रोपेनोइट, मिथाइल ये हो गया, मिथाइल ये हो गया, प्रोपेनोइट, मिथाइल प्रोपेनोइट हो गया, ठीक है बच्चों। एमाइन, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, एन एच टू, अब नंबर है इसमें, ग्रुप में तो है नहीं कार्बन, तो यहां से होगी वन टू थ्री, ये क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन वन एमाइन, प्रोपेन वन एमाइन, वन पे क्यों लगाया, क्योंकि ये NH2 टू पे भी हो सकता था, टू पे देखो जैसे सी एच थ्री, सी एच, सी एच, एन एच टू, सी एच थ्री, तो वन टू थ्री, तो टू पे भी है, जहां एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, एक से ज्यादा बन सकते हो, तो वहां उसमें नंबरिंग देनी होती है, संख्या हमको बतानी होती है कौन सी पोजीशन पे है, ठीक। तो ये क्या हो गया, सबसे लंबी चेन ये है, प्रोपेन वन एमाइन, प्रोपेन वन एमाइन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पे जो है नंबरिंग कर सकते हैं, क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है तो, आपको सभी के नाम भी बता देंगे हम, प्रायोरिटी सीरीज लिखवाएंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू, सी एच ओ है, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है आपका एल्डिहाइड, ये कौन सा है, एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड, और ये है, ये कौन सा है, जो कार्बन कार्बन से घिरा हुआ बीच में सीओ, ये है कीटोन, कीटोन है, ठीक। तो अब किसका नाम पहले लिखें, समझ में आ गया, वैसे आपको बता देते हैं, जिसकी कम प्रायोरिटी होती है, अब प्रायोरिटी क्या है, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता जो श्रेणी है वो क्या है, ठीक है, यानी किसको पहले हम रखेंगे, किसको बाद में, प्राथमिकता क्या है उसकी, ठीक है। तो इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो इसको पहले लिखते हैं हम, जिसकी कम होती है प्रायिकता, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसको बोलते हैं, यहां कीटोन ओन वगैरह नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं इसका लगाया जाता है क्या, कम प्राथमिकता वाले का लगाया जाता है पूर्व लग्न, और इसका अनुलग्न, यानी इसका क्या यूज होगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और इसका सफिक्स, ठीक। तो इसको बोलते हैं थ्री ऑक्सो, कितने कार्बन है, दो तीन चार पांच, पेंटेनल, थ्री ऑक्सो पेंटेनल, इसका सफिक्स लगाया है हमने, अल लगाया है, ठीक है बच्चों। तो है ना इजी, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हम इसको लगा रहे हैं। तो एक में आपको, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसको पहले लगाना है, हाँ, और किसको बाद में लगाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रायोरिटी सीरीज लिखवा रहा हूँ, उसके बेस पर करेंगे फिर हम, छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको, फिर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसका प्रीफिक्स लगाएं, किसका सफिक्स लगाएंगे, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, और कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे उसको बताएंगे। तो ये है क्रियात्मक समूहों की
क्रियात्मक समूहों की यानी कि प्राथमिकता श्रृंखला यानी प्रायोरिटी सीरीज, प्रायोरिटी सीरीज किसको हम प्राथमिकता देंगे उसका अनुलग्न प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ हम एक ये टेबल बनाई हमने, ये दूसरी टेबल है, ये थर्ड टेबल है और ये फोर्थ है। यहाँ पर लिखते हैं यानी क्रियात्मक समूह और उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, यहाँ पर यूज करेंगे पूर्व लग्न। ठीक, और यहाँ प्रीफिक्स इसको। ठीक है बच्चों, हमें हिंदी भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो सबसे पहले हमें हिंदी आनी चाहिए। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश, तो दो भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। पूर्व लग्न और यहाँ पर है अनुलग्न। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं सफिक्स और यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण। कुछ उदाहरण देके भी आपको हम यहाँ बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है वो है COOH, और ग्रुप को क्रियात्मक समूह को ऐसे लगाते हैं। ठीक, और इसकी संरचना तो आपको पता है, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है OH। ठीक, ऐसे होता है, तो OH मत समझ लेना कि अल्कोहल है, नहीं, ये पूरा ग्रुप है का, तो इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको COOH को कार्बोक्सिलिक, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, जब इससे भी ज्यादा कोई प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो तो तब बोलते हैं, इसको बोला जाता है कार्बोक्सी। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सी। ठीक, और अनुलग्न में जब यही हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की हो, तो बोलते हैं इसको ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे एक कार्बन भी लगाया जा सकता है, HCOOH एक कार्बन है, तो नाम क्या बनेगा, इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें, नहीं है। ठीक है, यही है मेन ग्रुप, तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैथ, और सिंगल बॉन्ड है इस चेन में तो मैथेनोइक, क्या बनेगा बच्चों, मीथेनोइक एसिड, जिसको हम कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर केवल अकेला यही है, तो इसका क्या यूज हुआ है, अनुलग्न। क्या यूज हुआ है यहां पर, अनुलग्न यानी सफिक्स ओइक अम्ल, तो मैथेन प्लस ओइक बराबर मैथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा है इसके बाद है SO3H, इसे बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक ग्रुप। ठीक, सल्फोनिक ग्रुप, और इसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों, जब पूर्व लग्न में सल्फो, और अनुलग्न में क्या बोलते हैं इसको, सल्फो SULPHO सल्फो
सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है बच्चों, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, तो CH3, CH2 और SO3H, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे, एक और दो कार्बन है, सबसे लंबी कार्बन चेन तो यही है, एथेन, एथेन सल्फोनिक अम्ल, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेन सल्फोनिक एसिड या एथेन, एथेन सल्फोनिक अम्ल, एथेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है बच्चों, एथेन सल्फोनिक अम्ल। अब देखते हैं कि इसकी प्रायोरिटी कम है इससे, तो अगर दोनों ग्रुप होते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ से फिलहाल मैं इसको बच्चों इसे रफ कर रहा हूँ या यहीं पर बता रहा हूँ, इसको रफ कर देंगे फिर। अगर मान लीजिए CH3 ठीक और CH SO3H प्लस CH2COOH, ये है ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी सीरीज की, कैसे ज़रूरत पड़ेगी, ये क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है COOH और ये भी है फंक्शनल ग्रुप, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ये इसकी ज़्यादा, जो ऊपर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसका क्या यूज होगा, ये है हाई प्रायोरिटी ग्रुप, अधिक प्रायिकता वाला, ठीक, ऊपर आ रहा है ये, तो ये क्या हुआ, हाई माने ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप, और ये है लो प्रायोरिटी ग्रुप, कम, लो LPG होता ना, LPG गैस का सिलेंडर, लो प्रायोरिटी ग्रुप, कम, ठीक, तो ये है अधिक, अधिक प्रायोरिटी वाला, तो इसका क्या यूज होगा, अनुलग्न, इसका पूर्व लग्न, इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स, समझ में आ गया। अब लिख दो नाम इसका, पहले क्या रूल है, पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट जो कार्बन चेन की लंबाई है उसके आधार पर, एक कितने कार्बन है, एक दो, ग्रुप में अगर कार्बन है तो काउंट कीजिए, वन वन टू थ्री फोर, ठीक। अब रूल क्या है बच्चों, पहले पूर्व माने पहले वाला, पी पहले आता है, एस बाद में आता है, पी पहले आता है, पी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो पहले वाला ये इसका, इसको पहले लिखिए, ठीक, और इसको क्या बोला जाता है पूर्व लग्न में, यानी प्रीफिक्स में क्या बोला जाता है इसको, प्रीफिक्स में बच्चों इसको बोला जाता है क्या, सल्फो, सल्फो, ठीक, और सल्फो की पोजीशन भी बतानी होती है, कौन सी पोजीशन पे, थ्री सल्फो, थ्री सल्फो, एक दो तीन चार, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और वन पे क्या है, अब सफिक्स, सफिक्स में इसको क्या बोलेंगे, ओइक, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक, यानी थ्री सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। हम समझ में आया, कुछ कुछ अब आता चला जाएगा आपके, ठीक, तो इसको यहां से मैं रफ कर रहा हूं, ये ठीक है, और यहां ये फिर से वही लाइन खींच दीजिए। इसके बाद आता है एस्टर, एस्टर क्या है बच्चों, एस्टर होता है COOR, ये है एस्टर, एस्टर, ठीक है, एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप, ठीक,
एस्टर, अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक है, इसी में अगर आर ग्रुप लगा दिया जाए, आर का मतलब एल्किल ग्रुप, मैथिल एथिल ब्यूटिल, जैसे सी एस थ्री लगा दूं तो ये क्या बन गया, सी ओ ओ आर, सी ई ओ आर, आर कुछ भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एथिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या बन गया बच्चों, एस्टर। हाँ, तो एस्टर ग्रुप है। एस्टर को यहां पे क्या बोलते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं यहां पे बच्चों एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, तो इसका नाम लिख दीजिए यहां पर एल्कोक्सी कार्बोनिल, पूर्व लग्न में एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, दोनों ही उसमें मैं बता रहा हूं आपको पूर्व लग्न में, और यहां लगाते हैं इसके लिए ओएट, ओएट, ठीक है, या एल्किल एल्के नोएट, ये पूरा नाम हो जाएगा एल्किल एल्के नोएट। देखते हैं एक एग्जांपल, इसमें सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ सी एच थ्री, तो जो जो यहां जो अटैच होता है इस ऑक्सीजन से अटैच है ये वाला, है ना, इसको आपको मैं ये इससे बता रहा हूं ग्रीन पेन से, ये है ना आर ग्रुप, यहां पे आर है, आर मेथिल है, इसको पहले लिखते हैं एल्किल यानी मैथिल, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल, अब इसकी नंबरिंग करेंगे एल्केनोएट, लंबी लंबी चेन एक दो तीन, क्या हो गया, मिथाइल प्रोपेनो, एक दो तीन प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक, समझ में आ गया बच्चों, इसको मैथिल, मैथिल प्रोपेनोएट, इसका नाम हो जाएगा मैथिल प्रोपेनोएट, इजी है, ठीक है, और देखते हैं इसके बाद, ये प्रायोरिटी सीरीज चल रही है, क्रम से ही हम आपको लिखवा रहे हैं, और देखते हैं इसमें और कौन कौन से हैं, इसके बाद है सी ओ सी एल, सी ओ सी एल, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों सी ओ सी एल को बोलते हैं क्या, कार्बोनिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, वैसे इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक, ग्रुप का नाम सी ओ सी एल, तो सी ओ सी एल कैसे बनेगा, सी ओ सी एल ऐसे ही होगा, सी ओ सी एल या सी ओ एक्स, एक्स मान लेता हूँ, एक्स फॉर क्या है, हेलोजन, एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइट, एसिड हेलाइट, हेलोजन ग्रुप है, तो यहाँ सी एल की जगह मैंने एक्स कर दिया, और एक्स क्या हो सकता है, एक्स इजिकल टू फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये ग्रुप हो सकते हैं, ठीक, तो इसको बोलेंगे क्या पूर्व लग्न में, हेलो कार्बोनिल, क्या बोलेंगे बच्चों, हेलो, हेलो कार्बो, कार्बोनिल, ठीक है, हेलो कार्बो निल, इसको बोलेंगे हेलो कार्बोनिल, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, हेलो कार्बोनिल, और इसमें अनुलग्न बोला जाता है इसको ऑयल हेलाइट, ऑयल, ठीक, हेलाइट, हेलाइट यानी ओ वाई एल, ऑयल हेलाइट, इसको उसमें बोलते हैं ऑयल हेलाइट को।
अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने सामने ही आपको लिख दिए हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। 1, 2, 3, 4th प्रायोरिटी पर ये ग्रुप आता है ऑयल हैलाइड। अब इसका नाम देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2COCl, तो ग्रुप में कार्बन है तो 1, 2, 3 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या बोलेंगे, प्रोप बन रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको बच्चों बताइए, ऑयल हैलाइड है IUPAC में, इसका नाम बनेगा प्रोपेनॉयल, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ब्रोमीन होता है तो प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड, तो क्या नाम बनेगा इसका, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, यानी प्रोपेनॉयल क्लोराइड। समझ में आ गया बच्चों, इजी है। जो नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों उसको बताते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके और आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप पर, वो है आपका CONH2, एमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एमाइड, एमाइड, ठीक, एमाइड, और इसका वैसे नाम है कार्बेमोइल, 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 ठीक। और यहाँ आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कार्बेमोइल, ठीक। इस यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक है इसका कार्बेक, कार्बोक्सो, कार्बोक्सो, कार्बोक्से माइट, कार्बोक्से माइट, कार्बोक्से माइट, इसको बच्चों बोल सकते हैं कार्बोक्सेमाइड, ठीक है, या इसको बोलेंगे एमाइड, सीधा क्या बोल सकते हैं, एमाइड, एमाइड, ठीक। अब इसका जो यहां से थोड़ा सा हम ये नोट कर लिया हो आपने, तो इसको यहां से बच्चों रफ किए देते हैं, ठीक है। एमाइड इसका एग्जांपल देखते हैं, एक CH3CH2CONH2, तो नंबर 1, 2, 3 ग्रुप के कार्बन है इसमें, काउंट होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो एमाइड भी बोल सकते हैं, और ये नंबर एक नाम, और ये मतलब इसको भी बोला, ज़्यादातर तो इसको ही बोला जाता है, इसको भी बोल सकते हैं, ये कब बोला जाता है इसकी कंडीशन भी बता देंगे, लेकिन एमाइड यहाँ पर एमाइड ही बोला जाएगा, 1, 2, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनामाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइड, प्रोपेनामाइड, प्रोपेन में ही एमाइड को जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रोपेनामाइड, ठीक। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा बच्चों। अब ये प्रायोरिटी सीरीज है, इसके बाद नीचे कौन सा ग्रुप आता है उसको देखते हैं, और यहां से हम अब जो लिखूंगा वो नीचे ही आएंगे, ठीक। तो यहां से रफ कर दूं, इसको हटा देता हूं, इतने समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आगे, इसको सबको हटा देता हूं। हाँ, तो बच्चों देखिए, उसके बाद जो प्रायोरिटी है एमाइड ग्रुप के बाद वो किसकी है देखते हैं। यहां है CN, और इसको हम और CN भी कह देते हैं, केवल CN ऐसे भी, ठीक। इसको साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड, ठीक, साइनाइड ग्रुप है, यहां पर इसी में हो जाएगा ये,
पूर्व लग्न में बोलते हैं इसको साइनो, ठीक, या साइनो हिंदी में आप जानते हो साइनो, पूर्व लग्न प्रीफिक्स में। सफिक्स में इसको बोलेंगे बच्चों, सफिक्स में क्या नाम देंगे इसको, सफिक्स में नाइट्राइल, 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 ठीक। जैसे CH3, CH2, CH2, CN, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जहां पे ग्रुप में कार्बन होता है वो काउंट होता है और उसकी नंबरिंग नहीं करते वहां, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है बच्चों, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब मान लीजिए कोई ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जैसे CH3CH CN COOH, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है प्राथमिकता, क्योंकि ये पहले है, जो पहले है और ये बाद में है CN, ठीक। तो ये पहले नंबर पे है, ये बाद में है, तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, तो HPG, H पहले आता है और L बाद में आता है, ये है LPG, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, लो प्रायोरिटी ग्रुप। ये क्या है, अधिक प्रायोरिटी ग्रुप, ये क्या है, कम प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक। तो कम प्रायोरिटी ग्रुप का क्या यूज होता है, पहले ही बताया था हमने, प्रीफिक्स। इसका क्या यूज होता है, प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न, पहले, और इसका सफिक्स, ठीक। तो प्रीफिक्स इसका क्या है बच्चों, साइनो, तो बोलेंगे साइनो। और पोजीशन क्या है, 1, 2, 3, कार्बन चेन की नंबरिंग की, 2 पे क्या है, साइनो, 2 साइनो। अब वर्ड रूट, प्रोपेन, 1, 2, 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। एन क्यों लगाया है मैंने, एन सिंगल बॉन्ड है इसमें, एकल बंध है, एल्केन है, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन। और इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज होगा, सफिक्स HPG, सफिक्स COOH का क्या है, ओइक एसिड, क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इजी है बहुत, इस तरह से और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपकी, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको यहां से हटा रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर हमको जगह चाहिए, ठीक बच्चों। साइनाइड, इसके बाद आता है CHO, ये ग्रुप ज्यादातर आते हैं, CHO, ठीक, CHO है, तो इसको बोलते हैं क्या, एल्डिहाइड या एल्डिहाइड, इंग्लिश में एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्माइल, फॉर्माइल और ऑक्सो, फॉर्मिल या ऑक्सो बोला जाता है, ठीक, फॉर्मिल या ऑक्सो। सफिक्स में जब यही ग्रुप हाई प्रायोरिटी का होता है, यही ग्रुप हो और इसी की प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो उस वहां पे बोलेंगे इसको अल, क्या लगाते हैं, अल, यानी अल। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CHO,
हाँ तो बच्चों एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम, जैसे CH3CHO12 है कार्बन, तो क्या बोलेंगे इसको, एक दो, तो दो को क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है एथेन, इसको क्या बोलेंगे, अब यही है जिसके अलावा और कुछ नहीं है, तो क्या होगा सफिक्स बाद वाला, ठीक है ये वाला यूज करेंगे, तो इथेनल, एथेनल। अब अगर मान लीजिए ये भी ग्रुप है और कोई और भी है, तो जैसे समझिए CH3CH CHO CH2COOH, क्लियर, ये ग्रुप है अगर CHO है, तो यहां पर इसका फॉर्मल ग्रुप यूज करेंगे, फॉर्मल और ये ओएक इसका यूज करेंगे, ज्यादा प्रायोरिटी वाला ये है, ये पहले है और ये बाद में है, तो इसका क्या यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स, और इसका क्या यूज किया जाएगा, सफिक्स, तो ओएक बाद में लिखा जाएगा, ये पहले लिख दिया जाएगा इसमें, क्लियर है। तो फॉर्मल जैसे 1 2 3 4, थ्री फॉर्माइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख देंगे, हाँ तो और देखते हैं इसका, ये रफ हो गया इथेनल, इथेनल। इसके बाद आता है कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन, इसके ये क्या है बच्चों, ये है कीटोन, और कीटोन को यहाँ पे ऑक्सो यूज करते हैं, ऑक्सो पूर्व लग्न में ऑक्सो, ऑक्सो ठीक, ऑक्सो, और अनुलग्न में इसको ओन, ओन, ओ एन ई, ओन, ओन बच्चों, ओन यूज करते हैं, ओन। जैसे सबसे सिंपल CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहां ये 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है, इन दोनों में इसकी ज्यादा है इसकी कम है, इन दोनों में ये तो वही है साइनाइड एक ही है, ठीक। अब इसको देखते हैं, यदि मान लीजिए आपके पास CH3CH2CHO ये है, ज्यादा प्रायिकता वाला कौन सा है, अधिक जो ऊपर है, ऊपर ये है, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो, अब तो पता चल गया होगा HPG, यानी अधिक, केवल अधिक लेके दे रहा हूं, ये है क्या LPG, लो प्रायोरिटी ग्रुप, यानी कम प्रायिकता है, प्रायिकता है इसकी, प्राथमिकता है, ठीक है। कम वाले को पहले लिखेंगे हम, अब क्या लिखेंगे इसका, इस वाले का पूर्व लग्न यूज किया जाए, क्योंकि समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑक्सो, 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 ये हो गया बच्चों ऑक्सो, और पोजीशन क्या है ऑक्सो की, नंबरिंग कर लीजिए आप इसकी, CHO यहां पर ऐसे 2 है CH2, ठीक है, तो क्या होगा, ये कम है, कम प्रायिकता है इसकी, ऑक्सो 1 2, और ये थर्ड और फोर्थ, 3 पे है, 3 ऑक्सो 3 ऑक्सो, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल, यानी 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटल, इसका सफिक्स यूज करेंगे, इसका क्या होगा, अधिक वाले का सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी है उसका सफिक्स, यानी अनुलग्न। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे कुछ देर में ही।
बच्चों एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अब एल्कोहल, एल्कोहल देखते हैं। एल्कोहल होता है OH, OH उल्टा लिख दिया हमने, एल्कोहल होता है OH, OH ठीक, OH को यहां पर OH एल्कोहल, एल्कोहल यहां बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ठीक है, और यहां बोलते हैं ऑल, ऑल, ऑल इस टाइप से ठीक। ऑल इसका नाम देखिए, अब यहां से इसको हटा देता हूं मैं, इसको यहां से हटा देते हैं, अब तो हो गया इसका काम। ऑल हाइड्रोक्सी, यहां ऑल बोलेंगे, जैसे CH3 CH2OH 1 2, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, तो क्या बन गया, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, एथ, और सिंगल बॉन्ड है इथेन, क्या बनेगा, ऑल इथेनॉल। यहां OH को आप यहां लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए, पाएगा वो वन पे ही, इसलिए एथेन के केस में नंबरिंग नहीं होगी, प्रोपेन से स्टार्ट होती है नंबरिंग ठीक। एथेनॉल, अब अगर यहां तो केवल यही ग्रुप था इसलिए इसका सफिक्स यूज हुआ है, लेकिन अगर दो ग्रुप हो, एक एल्डिहाइड है मान लीजिए, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यहां देखो एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहां हमने ये जगह इसी के लिए छोड़ी है CH3C OH H CH2 CHO, नंबरिंग कहां से होगी, जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है CHO, 1 2 3 4, पहले कौन होगा, ये कम प्रायोरिटी वाला है यानी LPG, और ये HPG हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये अधिक प्रायोरिटी है और ये कम प्रायोरिटी है, इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स, इसका अनुलग्न और इसका पूर्व लग्न, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूं समझाने के लिए। तो पूर्व का मतलब पहले ये आएगा, पूर्व लग्न में OH, OH क्या है, LPG कम प्रायोरिटी है, इसका पूर्व लग्न लगेगा 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 वर्ड रूट, ब्यूट सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और इसका CHO अधिक प्रायोरिटी वाला है अनुलग्न, अल ये ऊपर है ब्यूटेनल, समझ में आ गया बच्चों, बहुत इजी है ये ठीक है। अब बचता है, अब ज़्यादा नहीं है, एमाइन है, फिर उसके बाद इसके बाद जो प्रायोरिटी है वो थायोल, SH इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, हाँ समझ में आ गया बच्चों, तो इसको थायो हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, थायो हाइड्रोक्सी वैसे आता नहीं है ये ज़्यादा, थायो हाइड्रोक्सी, इसे थायोल बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे थायोल ठीक। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये ऑल है, इसका थायोल, THIOL थायोल ठीक। तो इसमें थायो हाइड्रोक्सी ठीक, समझ में आ गया, तो ये रफ कर देते हैं इसको थायो हाइड्रोक्सी। तो बच्चों अब इसके बाद आता है आपका एमाइन, NH2 ग्रुप ठीक, और NH2 ग्रुप है, NH2 के बाद एल्कीन है, फिर एल्काइन है, तो NH2 ग्रुप है, तो इसे क्या बोलते हैं, ये एमाइन है, एमीन या एमाइन ग्रुप होता है एमाइन, तो इसका यहाँ पे प्रीफिक्स है प्रीफिक्स ठीक,
एमीन को बोलते हैं अमीनो, अमीनो, ठीक। और यहां इसका हो जाएगा एमाइन, एमाइन यानी एमीन बोला जाएगा इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू वन टू इथेने माइन एथेने माइन, ठीक बच्चों, एथेने माइन। इसके बाद डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, डबल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इसके बाद होगी और इसे बोलेंगे यहां पर डबल बॉन्ड। इसका उसे ईन ही बोला जाता है, उसमें एल्कीन है तो इसको खाली छोड़ दिया जाता है, हाँ, अनुलग्न के रूप में ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें? ईन, ईन, ई एन ई, ईन। जैसे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो वन टू थ्री प्रोप प्रोपीन प्रोपीन, ठीक है, प्रो प्लस इन प्रोपीन हो गया, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है क्या? कम है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इससे कम है। अगर सेकंड पोजीशन, मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे उसमें। ये भी तो इसे आयन बोला जाता है, आयन, वाई एन ई आयन, वाई एन ई आयन। और इसमें सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो ये क्या बन गया? एथाइन, 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 ठीक, समझ में आ गया बच्चों, एथाइन। तो इस तरह से, अच्छा, अब कुछ हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होते हैं, जिनका पूर्व लग्न ही यूज होता है, जिनका पूर्व लग्न ही यूज होता है, जैसे कि एल्कोक्सी ईथर देखते हैं आपका ओ आर, ओ आर ये ईथर है, बीच में आर ग्रुप आता है तो ये ईथर है, ईथर, ठीक। ये क्या है? एल्कीन। ये क्या है? एल्काइन, एल्काइन ये वाला, ये ईथर है, उसे बोला जाता है, इसका पूर्व लग्न ही यूज होगा एल्कोक्सी, 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 ठीक। जैसे सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, मेथॉक्सी कम कार्बन वाला, ऑक्सीजन के इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, जिधर कम हो, कम वाला भी एग्जांपल देंगे जब हम और बताएंगे समझाएंगे, तो यहां इसको बोला जाएगा मेथॉक्सी। क्या बोला जाएगा बच्चों? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एक कार्बन है, मैथेन, मैथॉक्सी, मैथेन, समझ में आ गया, मैथॉक्सी और मैथॉक्सी बन गया ये मैथेन, मैथेन ग्रुप, ठीक। तो एल्कोक्सी यानी इसका यहां पर प्रीफिक्स ही यूज होता है, प्रीफिक्स की फॉर्म में ये यूज होते हैं। और देखते हैं एक्स, एक्स क्या हो सकता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो, इनके सबके हेलो ग्रुप बोलते हैं, जैसे हेलो, हेलो यानी क्लोरो ब्रोमो आयडो, है ना, ये प्रीफिक्स में ही यूज होगा इसका, ठीक। जैसे क्लोरो, ठीक है, ईटीसी करे दे रहा हूँ यहाँ। और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे सी एच थ्री सी एच टू सी एल, तो क्लोरोएथेन क्या बनेगा? ये क्लोरोएथेन, इसको तो कर ही लेंगे आप, क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन बी आर लगाओ तो प्रीफिक्स यूज होगा। एनओ टू के केस में, एनओ टू देखते हैं, एनओ टू भी यहां भी नाइट्रो, प्रीफिक्स ही यूज होगा नाइट्रो। एमाइडो आप एन थ्री एजाइडो, ठीक, आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, तो आर है, जैसे आर
R जैसे CH3 है, C2H5 एल्किल ग्रुप है, एल्किल, तो इसका भी क्या यूज करेंगे, जैसे एल्किल ही यूज करेंगे, एल्किल ग्रुप, ठीक, एल्किल ग्रुप यूज करेंगे। फिनाइल ग्रुप C6H5 है, उसका क्या यूज करेंगे, फिनाइल ग्रुप। समझ में आ गया बच्चों? तो ये है आपका फिनाइल C6H5, तो इसको फिनाइल ग्रुप इसका नाम यूज करेंगे, फिनाइल। तो बता देंगे आपको कौन कौन से आप उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जिनका पूर्व लग्न ही यूज होता है उसको बता देंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करें इसको, ठीक। तो रफ कर दूँ यहाँ से, देखो बच्चों यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और ये प्रायोरिटी सीरीज थी, अब अप्लाई कैसे करेंगे इसको। देखिए एप्लीकेशन पार्ट आ गया आपका, मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और COOH, ये है नाम, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, पहला हो गया लॉन्ग चेन सेलेक्शन, लॉन्ग चेन, ठीक, और उसे कहते हैं जितने कार्बन होंगे वर्ड रूट, ठीक बच्चों। ये क्या है, इसका तो मिथाइल है, एल्किल ग्रुप का हमने बताया है आपको, क्या यूज होगा यहाँ पे, हमेशा क्या यूज होगा, भूल गए प्रीफिक्स यूज होगा इसका, यानी पूर्व लग्न, पी से प्रीफिक्स और पा प्रीफिक्स, अब तो नहीं भूलोगे। इसका क्या यूज होगा, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक, और इसका क्या यूज होगा, सफिक्स यानी अनुलग्न। जब ये हो गया तो आ वाला ही बचा, ठीक। इसकी ट्रिक बताता हूं, पहले देखिए लो प्रायोरिटी ग्रुप, लो प्रायोरिटी ग्रुप या लो प्रायोरिटी ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापक है, ठीक है, लो प्रायोरिटी ग्रुप है या कोई प्रतिस्थापक, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट, समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूएंट, उसकी और पोजीशन समेत, उसकी पोजीशन भी लगानी है, उसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है, वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, कार्बन नंबर, एथ मैथ प्रोप इस टाइप से लगाते हैं, ठीक है, कार्बन नंबर प्लस, अगर डबल बॉन्ड है या मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड, और इन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाएंगे डबल बॉन्ड, और आयन है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, आयन के लिए आयन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे, प्लस यहां पर, और इनकी भी पोजीशन बतानी होगी, इनकी तो कोई बात नहीं है, इनकी पोजीशन कौन सी पोजीशन पे है, फिर है हाई प्रायोरिटी ग्रुप, अधिक वरीयता वाला, और उसका क्या यूज करेंगे बच्चों हम, सफिक्स यानी कि अनुलग्न,
इनका क्या यूज करेंगे एलपीजी का? पूर्व लग्न या प्रीफिक्स। ठीक है बच्चों, इसको अप्लाई कीजिए। अब लो प्रायोरिटी ग्रुप ये है, पहले पोजीशन दीजिए 1 2 3 4 5। टू पे प्रतिस्थापक है, सब्स्टिट्यूएंट इसका हमेशा, और ये भी लो प्रायोरिटी ग्रुप ही है, इन दोनों में ग्रुप भी माने तो भी यही है। तो टू, इसको लिखिए टू मिथाइल या मेथिल, लिख दिया। उसके बाद टू मिथाइल वर्ड रूट, कार्बन नंबर कितने हैं? सबसे लंबी कार्बन चेन 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक, चेन में कितने कार्बन हैं? फिर एन, क्या इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, ये तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, डबल बॉन्ड है तो 3 पेंट। एन नहीं करेंगे, अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते तो एन कर देते, पेंटेन। लेकिन अब पेंट 3, 1 2 3 पे है, 3 इन पेंट 3 इन। ठीक, अब ये हो गया, आयन है ही नहीं, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है? COOH, इसका ओइक लगाएंगे। इन, जब इन हो और ओइक हो तो ई ओ दोनों वोवेल हैं, तो इसको हटा देते हैं, जब दोनों वोवेल आते हैं तो इसको हटा देते हैं, तो इनोइक एसिड हो गया। ठीक है बच्चों, टू मैथिल हिंदी में और लिख देता हूं, पेंट 3 इनोइक अम्ल, इनोइक अम्ल। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर ये, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं और आपकी समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे हम। ठीक, CH3 CL CH C डबल बॉन्ड है ना, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर CHO, ये है। तो वन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? इसी की है, फॉर्माइल की। अब तो याद हो गई होगी, कीटोन से पहले पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो लो प्रायोरिटी ग्रुप कौन कौन से हैं, ये है इसमें कौन सा, ये वाला, ये है लो प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक, और ये है बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापक। ठीक, सब्स्टिट्यूट करने वाला। तो और ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है इसमें? ये है बच्चों, ये क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप, एल्डिहाइड है सीधा ये। तो इसका क्या यूज होगा? सफिक्स, सब तो सीख गए होंगे बहुत, सफिक्स यानी अनुलग्न। इसका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। और इसका भी क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट हो या ये आप इसमें देख सकते हो। अब देखते हैं रूल, वही लगाइए। रूल क्या है? अभी रफ कर दिया है हमने, कोई बात नहीं, दोबारा हम फिर इसको लिख देंगे। रूल क्या है? रूल है इसमें, देखो क्या होगा, पहले क्या होता है, एलपीजी लो प्रायोरिटी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट। तो लो प्रायोरिटी ग्रुप, ये क्लोरो, क्लोरो को किससे
क्लोरो होता है सी से शुरू, और ये शुरू होता है इसका प्रीफिक्स ऑक्सो, क्या है इसका ऑक्सो, ठीक बच्चों? पर तो ये ऑक्सो है और एलपीजी और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक क्या होगा ये सी से शुरू है, ये ओ से शुरू है, पहले कौन आता है सी, तो इसी का नाम लिख दो पहले सी, यानी फाइव फाइव पर क्लोरो, फाइव पर क्लोरो, ठीक फोर पर ऑक्सो, फोर ऑक्सो ऐसे डैश लगा के लिखते हैं फोर ऑक्सो, ठीक। इसके बाद आता है प्लस वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं छह हैं, हेक्स, फिर इन एन आयन, यहां एन तो है एन, यहां डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन की पोजीशन क्या टू, हेक्स टू इन इन, और ये बच गया फिर इसका क्या है अल, इन अल, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और देखिए एक सी एच थ्री सी एच टू सी सी एन सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी डबल ओ एच, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो लो प्रायोरिटी ग्रुप तो यही है, तो एलपीजी लिख दो, ये क्या है हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा प्रीफिक्स, आप लिखिए इसमें प्रीफिक्स क्या है इसका सिक्स पर, सिक्स साइनो, सिक्स साइनो, वर्ड रूट ऑक्ट, साइनो के बाद क्या है ऑक्ट, आठ को ऑक्ट बोलते हैं, थ्री थ्री वर्ड रूट के बाद इसमें क्या है आयन, ट्रिपल बॉन्ड है थ्री आयन, और वन आयन, ओइक एसिड, इसका ओइक बोलेंगे ओइक एसिड, अब समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से आप ये ट्रिक लगा के हमारी वाली इसको याद कर लीजिए एक झटके में, ठीक। और फिर ये इन आ गया और यहाँ फिर क्या हो जाएगा हाई प्रायोरिटी ग्रुप, एचपीजी का क्या यूज़ करेंगे सफिक्स, और इसका क्या यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों, इस तरह की और प्रॉब्लम आपको देंगे करना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जय हिंद जय भारत।